सिंगरौली के मोरवा में कोल इंडिया की कंपनी एनसीएल जयंत और दुधचिवा परियोजना में भू अर्जन किया गया था, जिसके मुआवजे का वितरण अब तक सही ढंग से न होने को लेकर विस्थापित नाराज हैं और इसको लेकर विस्थापितों ने एक बार फिर धरना प्रदर्शन किया है। मुआवजा का वितरण नहीं किए जाने को लेकर विस्थापित नेता सत्येन साहू के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। इसको लेकर विधायक रामलालू वैस ने कहा कि पिछली केंद्र की मनमोहन सरकार ने भू अधिग्रहण कानून बना दिया था जो कि जनहित में नहीं है। रामलालू वैस ने कहा कि यदि सीबी एक्ट होता तो भू अर्जन के एक वर्ष के अंदर 9% ब्याज एवं एक वर्ष से अधिक होने पर 15% ब्याज का प्रावधान था। विधायक ने एनसीएल पर आरोप लगाते हुए कहा कि मढ़ौली वार्ड क्रमांक 10 को दुधचुआ एवं जयंत परियोजना द्वारा अधिग्रहित किया गया है, जिसके मुआवजे में काफी अंतर है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना में प्रति हेक्टेयर 10 लाख तो वही जयंत परियोजना में प्रति हेक्टेयर 53 लाख दिया गया है। जयंत विस्तार में ग्राम मढ़ौली के भूमि का अर्जन किया गया, इसका धारा 4 में सीबी एक्ट के तहत अर्जन की कार्रवाई प्रारंभ हुई। धारा 11 20 अक्टूबर 2011 को धारा 9 का नोटिफिकेशन, इसके पश्चात मकानों का, जमीनों का मुआवजा बनाना शुरू हुआ। जमीन के कलेक्टर गाइडलाइन के आधार पर दुधीचुआ में एक तो छल किए इन्हों कि 10 लाख रुपये हेक्टेयर दिए, जबकि 10 नंबर वार्ड ही मढ़ौली जयंत विस्तार में 52-53 लाख रुपया हेक्टेयर जमीन का विध ब्याज के साथ निर्धारित किया गया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।